सुनिए, तुम सोई नहीं, पता है वक्त क्या हो रहा है? आपको पता है वक्त क्या हो रहा है? आप भी काफी लेट हुए हैं। ओह रियली? और मेरे लिए तो बहुत ही लेट। मैं ही जानती हूँ कि ये शाम मैंने आपके इंतजार में कैसे गुजारी है। आई एम सॉरी इफ आई केप्ट यू अप। इसमें सॉरी की क्या बात है रवि, मैंने आपका इंतजार अपनी मर्जी से किया है, किसी मजबूरी की वजह से नहीं। पता है आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है। ओह कंग्रेचुलेशंस। और बताइए कितनी मिली है? भाई ये गैस करना तो बहुत मुश्किल है। बुटीक के 2 महीने के प्रॉफिट से 4 गुना ज्यादा। इतनी मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। क्यों नहीं, तुमने बहुत मेहनत से काम किया है। आई थिंक यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ। और अब ये बताइए कि उन पैसों का मैंने क्या किया? ये गैस करना तो बाएं हाथ का खेल है, तुमने सारा पैसा खर्च किया। सारा तो नहीं, 250 रुपए बचे हैं। 250? वेल। और ये आपके लिए। ये क्या है? खुद ही देख लीजिए। लगता है पैकिंग भी तुम ही ने करवाई है इसकी। ओह दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू। रवि मैं जानती थी कि आपको ये शर्ट जरूर पसंद आएगी। पहले मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। याद है आपके जन्मदिन पर मैंने आपको एक शर्ट दी थी और आपने बस मेरा दिल रखने के लिए वो पहन ली थी। पार्टी के बीच में चेंज भी कर ली थी। यू नो राज के साथ काम करने के बाद आई फील अ न्यू कॉन्फिडेंस। हाँ देख रहा हूं मैं, ये भी देख रहा हूं कि तुम्हारे टेस्ट्स काफी बदल गए हैं। मतलब? मतलब कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, मुझ में अब वो चाम नहीं रहा जो राज में है ना? रवि आप जैसे हैं अच्छे हैं। अच्छा तो हूं मगर राज जैसा नहीं हूं। राज की और आपकी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। एक मिनट सोनिया, इस स्टेटमेंट को जरा सा एलैबोरेट करो। राज की मेरे साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती या मेरी राज के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती? आपसे बात करना ही बेकार है। क्यों मैडम, पहले तो आप ऐसा नहीं सोचा करती थी?